हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू अड्डा 247 ऑनलाइन स्कूल. और हम कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2. सो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है. इफ एंगल एक्स इज 62 डिग्री, आपको देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है कि एंगल एक्स 62 डिग्री दे रखा है. एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड यानी कि ये वाला जो एंगल ये बन रहा है ये 54 डिग्री है, 54 डिग्री दे रखा है. इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल जेड, एंगल एक्स जेड वाई. सो एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर वाई ओ है और एंगल एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर इस वाले एंगल का बाइसेक्टर जेड ओ है. बाइसेक्टर यानी कि वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ओके, फाइंड एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई यानी कि हमें ये वाला एंगल निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और हमें निकालना है एंगल वाई ओ जेड यानी कि ये वाला एंगल निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. सो क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट मैंने आपको समझा रखा है, उसी फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को. सो आइएगा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले गिवन लिखेंगे जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में. सो गिवन की बात करते हैं. सो हमें दे रखा है एंगल एक्स जिसकी वैल्यू है 62 डिग्री, और हमें दे रखा है एंगल एक्स वाई जेड जिसकी वैल्यू है 54 डिग्री, और हमें दे रखा है कि जेड ओ और वाई ओ बाइसेक्टर्स हैं. तो हम ये लिख लेते हैं कि एंगल एक्स वाई ओ इज इक्वल टू, देखिए एंगल एक्स वाई ओ यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ओ वाई जेड यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ओ वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड ओ. एक्स जेड ओ एंगल की मैं बात करूं तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया जो कि इक्वल है एंगल ओ जेड वाई के. सो ये हो गया एंगल ओ जेड वाई के इक्वल. सो देखिए ये हमारा गिवन हो गया क्योंकि हमें बाइसेक्टर से दे रखा है. टू प्रूफ की या टू फाइंड की बात करें जो कि हमें फाइंड करना है, तो फाइंड करने पर आ जाते हैं. यहाँ पर हमें फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई और हमें फाइंड करना है एंगल वाई ओ जेड. ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड हमें फाइंड करना है. प्रूफ पर आ जाते हैं फटाफट से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका ये. सो एंगल सम प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी मैं करवा चुका हूँ, वीडियोस आपको मिल चुकी होंगी, आपने प्लेलिस्ट पे वीडियोस आपके अपलोडेड है. सो देखिए अगर मैं इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड में बात करूँ तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री होगी. क्यों होगी, कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है, ध्यान रखिएगा हर स्टेप में आपको उसका रीज़न लिखना है, उसकी प्रॉपर्टी जो आप यूज़ कर रहे हैं या जो भी थ्योरम आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको मेंशन जरूर करना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सो एंगल एक्स की वैल्यू आपको 62 डिग्री दे रखी है, एंगल वाई की वैल्यू आपके पास 54 डिग्री है, एंगल जेड की वैल्यू हम निकाल लेंगे. सो देखिए 62 प्लस 54 कितना हो जाएगा, 60 और 50 आपका 110 हो गया, 2 और 4 6 हो गया यानी कि 116. सो इसको सीधा इसके साइड चेंज कर देते हैं, एंगल Z बराबर 180 माइनस 116. सो देखिए 116 में 4 ऐड हुआ तो 120 हो गया, और 120 में 60 ऐड होगा तो वो 180 बन जाएगा, यानी कि 180 में से 116 का माइनस किया तो ये आ गया. कई बार आपको कैलकुलेशंस करने में दिक्कत होती होगी, बिल्कुल होती होगी, कई बार हमें कैलकुलेशंस करने में दिक्कत होती है, हम स्कूल में इतने फटाफट कैलकुलेशंस नहीं कर पाते. तो बहुत ही जल्द मैं आपके पास एक वीडियो के साथ आऊँगा जहाँ पर मैं आपको सिखाऊँगा कि आपको किस तरीके से कैलकुलेशंस करनी चाहिए. एक मेरा ही खुद का मेथड है ये, स्प्लिट कैलकुलेशन का मेथड, हालांकि वो मेरा खुद का नहीं है, बहुत टीचर्स का तरीका, बहुत पुराना तरीका है, बट उसको मैं एक स्प्लिट कैलकुलेशन मेथड का नाम दे देता हूँ. सो वो मैं आपको कराऊँगा. इसलिए कैलकुलेशंस में अगर आप अटकते हैं तो बिल्कुल मत घबराइएगा, कैलकुलेशंस आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेशंस करने लग जाएंगे. एंगल जेड की वैल्यू आ गई आपके पास. अब देखिए हमें निकालना है एंगल, कहाँ गया हमारा टू फाइंड, ये रहा, हमें निकालना है एंगल ओ जेड वाई. सो ओ जेड वाई एंगल में अगर ओ जेड वाई की बात करूँ सो ये हाफ ऑफ एंगल जेड होगा, बिल्कुल होगा सर, क्योंकि बाइसेक्टर है एंगल जेड का, बाइसेक्टर है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 64 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 32 डिग्री. ठीक है, 32 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई. अब आगे बढ़ते हैं, इरेज कर देते हैं अपने ऊपर के पार्ट को,
जिसकी अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, आपने ये चीज़ उतार ही ली होगी। चलिए यहाँ तक इरेज कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने एंगल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बात करते हैं अपने ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ वाई जेड में अगर मैं बात करूं तो एंगल ओ जेड वाई मैं निकाल चुका हूं, 32 डिग्री मेरा आ चुका है, 32 डिग्री। अब देखिए एंगल ओ वाई जेड की अगर मैं बात करूं, इसमें मैं एंगल ओ वाई जेड की बात करूं तो ये होगा हाफ ऑफ एंगल वाई, जो कि हो जाएगा हाफ ऑफ 54 डिग्री, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 27 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास ओ वाई जेड आ गया, ओ जेड वाई आ गया, एंगल वाई ओ जेड आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। क्यों होगी वैल्यू 180 डिग्री, वो आप जानते ही हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें आपका रूल लग रहा है और यही आपकी इसमें प्रॉपर्टी लग रही है एंगल सम प्रॉपर्टी की। तो देखिएगा एंगल ओ वाई जेड की वैल्यू 27 डिग्री आ गई, एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू 32 डिग्री आ चुकी है, प्लस एंगल वाई ओ जेड जो कि आपको निकालना है। सो 32 प्लस 27 सॉरी 27 प्लस 32, हाँ जी वही बात हो गई। सो 20 और 30 50, 7 और 2 9, यानी कि 59 डिग्रीज, प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इरेज कर देते हैं। सो यहां से एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू की बात करें तो 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री आ जाएगा, यानी कि एंगल वाई ओ जेड आपका 121 डिग्री आ जाता है। और हमने एंगल ओ जेड वाई भी निकाला था जिसकी वैल्यू हमारी 32 डिग्री आई थी, और ये हो जाता है आपका क्वेश्चन सॉल्व। बहुत आसान सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और इसके बाद अब अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ अड्डा 247 ऑनलाइन स्कूल।